रॉड को ही मैंने क्या किया है, कर्व किया है, तो जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस रॉड पे होगा वैसा ही इस रॉड पे भी होगा। तो जब भी आपको लगे कि लाइन पे है चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन पे है, तो वहां पे आप बोलोगे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक सीधी रॉड पे है, सीधी से ऐसे बोलो, बेटर यही है कि इट इज इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रॉड। मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा लाइन से, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। सीधी सी बात है, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रॉड देन इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रियल लाइफ में कहां पे देखा जाता है? देखा जाएगा बहुत जगह। आपने एक एल्यूमिनियम की रॉड ली मान लो, और एल्यूमिनियम की रॉड को चार्ज दे दिया, काम खत्म। और मैंने आपको बता भी रखा है लीनियर चार्ज डेंस क्या बोलते हैं, जैसे ही आप कंडक्टर लेते हो, कंडक्टर को जैसे ही आप चार्ज देते हो तो क्या होता है, सरफेस पे आ जाता है, ये बता भी रखा है मैंने आपको। तो रियल लाइफ में मिल जाता है, दिख जाएगा। अब जब भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखे तो ध्यान देना, यहां पे एक डेंसिटी आती है जिसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, से बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। जैसे ये एक 3D इमेज ली है मान लीजिए मैंने, ये एक रॉड है जिसकी लेंथ है L और इस पे कुछ चार्ज दिया हुआ है Q, पॉजिटिव चार्ज है ऐसे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहला केस इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहला केस है इफ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आप लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालोगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी होती को रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली लैम्डा से, ठीक है ना। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लीनियर चार्ज, अब ध्यान देना ये पहला केस है, द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या होगी लैम्डा, लैम्डा होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी और ये आप कैसे निकालोगे, आप कैसे निकालोगे, सिंपल, जैसे आपने पिछले साल पढ़ा होगा मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ पढ़ा होगा कभी, और मैंने वेव्स में भी करवाया था आपको। तो मास पर यूनिट लेंथ कैसे निकालते थे, टोटल मास को लेंथ से डिवाइड कर दिए थे। तो यहां पे वैसे निकालेंगे, आप क्या करोगे, टोटल चार्ज ऑफ द रॉड को किससे डिवाइड करोगे, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड। क्या फॉर्मूला बन गया, लैम्डा क्या गया, टोटल चार्ज ऑन द रॉड क्या है, क्यू, ये है एल। ठीक है, सिंपल, आप क्या कर देना, टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर देना, दैट्स इट, इतना सा काम करना है। यूनिट क्या होगी इसकी, कूलम पर मीटर। कहने का मतलब क्या है, आप क्या निकाल रहे हो, आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, बेटर ये है मैं एग्जाम्पल से ही करवाऊं क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। जैसे मान लीजिए कि मैं इस तरीके बोल रहा हूं, इफ दी लेंथ ऑफ द रॉड इज 50 मीटर एंड चार्ज गिवन टू इट is plus 20 microcoulomb distributed uniformly, मतलब इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो अगर आप डायग्राम से देखोगे ना, तो डायग्राम से देखो ये ऐसा दिखेगा,
कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा, देखो। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल उतना ही चार्ज बिल्कुल सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे आप कैसे बताओगे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो आप सोचो कि आपने इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे इमेजिन करो कि आप, ये 50 मीटर है ना, 50 मीटर को आपने क्या किया, एक एक मीटर की रॉड में डिवाइड कर दिया ऐसे ऐसे। ऐसे तो कितने पार्ट बन जाएंगे? कितने पार्ट बनेंगे? 50। 50 तो हर 50 मीटर, मतलब जो 50 पार्ट बनेंगे, हर एक पार्ट में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिलना चाहिए आपको। तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर ऐसा मिल गया, ऐसा मिला, तो मैं ये बोलूंगा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। हाँ। तो अब मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि ये बता दो, फाइंड आउट व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि 1 मीटर लेंथ में कितना चार्ज है, तो क्या करोगे आप, कैसे निकालोगे? सीधी सी बात है, टोटल चार्ज को आप किससे डिवाइड कर दोगे? टोटल लेंथ से। दैट्स इट। टोटल चार्ज कितना है? 20 माइक्रो कूलम। और लेंथ कितनी है? 50 मीटर। सीधा लिख देना माइक्रो कूलम पर मीटर। तो आंसर कितना आ गया? 0.4। हाँ ना, माइक्रो कूलम, नॉट कूलम, माइक्रो कूलम बेटर ही है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या निकाल सकते हो? अब लैम्डा से, अगर आपको लैम्डा पता चल जाता है तो आप बहुत चीजें निकाल सकते हो। क्या क्या निकाल सकते हो अभी देखना जरा। मैं आपसे एक और इसी में बी पार्ट पूछ रहा हूं, ये बता दो, फाइंड आउट द चार्ज ऑन 7 सेंटीमीटर ऑफ दिस रॉड। मतलब सिर्फ आप मुझे ये बताओ कि 7 मीटर अगर रॉड लूं इसकी, ये जो रॉड है, अगर इसमें सिर्फ 7 मीटर लेंथ लूं, ये 7 मीटर, इतनी लंबी 7 मीटर होगी, तो इसमें कितना चार्ज होगा? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का ना यही फायदा होता है। अगर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है तो आप झट से बता दोगे। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि 7 मीटर, सेंटीमीटर, मीटर है ना, मीटर है, ठीक है, 7 मीटर जो रॉड ली है उसमें कितना चार्ज होगा? तो फायदा यही है। फायदा क्या है? आपको लैम्डा पता है ना, लैम्डा क्या है? लैम्डा है 0.4 माइक्रो कूलाम पर मीटर। मतलब 1 मीटर रॉड में कितना चार्ज रखा हुआ है? अगर ये पूरी जो रॉड है, इसकी जो लेंथ है, ये है 50 मीटर। ये चीज आपको ध्यान देनी है पहले। तो 1 मीटर जो रॉड है, ये जो 1 मीटर रॉड है, इसमें कितना चार्ज मिला है आपको? कितना है? 0.4 माइक्रो कूलम, इतना चार्ज है। तो पूछा है 7 मीटर में कितना होगा, तो सीधी सी बात है, कितना कितना होगा? आप क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। दैट्स इट। लैम्डा को क्या करना, लैम्डा है 0.4 माइक्रो कूलाम पर मीटर, इसे आप क्या करोगे, 7 मीटर से मल्टीप्लाई कर देना। दैट्स इट। आंसर कितना आएगा? ये मीटर मीटर कट जाएगा, आंसर आएगा 2.8 माइक्रो कूलम। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि लैम्डा का रोल यहाँ पे क्या है। ध्यान देना, लैम्डा का रोल क्या है। पहले तो एक चीज समझो कि जब आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो लैम्डा का, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालने का, लीनियर चार्ज डेंसिटी आप ऐसे निकाल रहे हो, टोटल चार्ज ऑफ द रॉड को किससे डिवाइड कर रहे हो आप? टोटल लेंथ ऑफ द रॉड से। तो आपको एक चीज समझ जानी है कि आप कर क्या रहे हो। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप
ये मान के चल रहे हो कि चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या उल्टा बोल सकता हूँ, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर आप कैसे निकालोगे लैम्डा, टोटल चार्ज इस तरीके से क्यू बाय टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर देना। और इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि अगर आपको लैम्डा पता है तो आप कितने भी लेंथ की रॉड ले लो, अगर मैं 50 मीटर रॉड है और 50 मीटर बड़ी रॉड का सिर्फ 7 मीटर पार्ट ले रहा हूँ, 7 मीटर लंबा पार्ट ले रहा हूँ और उसमें चार्ज पूछ रहा हूँ, तो आप सीधा निकाल सकते हो लैम्डा को उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये वाला करके बताओ जरा, फिर आगे चलता हूँ मैं, ये सब करके बताएंगे, जरूरत पड़ेगी इसलिए करके बताइए। बताइए। ओके, तो बहुत सिंपल है ये, तो कुछ नहीं है। उसमें बोला है कि इफ द टोटल चार्ज ऑफ द रॉड हैविंग लेंथ 10 सेंटीमीटर इज 25 कूलम, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी। तो लीनियर चार्ज पता ही है कि इसमें दिया नहीं है, ठीक है ना, बट ये मान के चलो कि क्वेश्चन में और दिया जाना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये लीनियरली क्या बोलते हैं, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ध्यान देना, अगर नहीं कुछ नहीं दिया हुआ है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अभी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही बताऊंगा, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो सीधी सी बात है, चार्ज और लेंथ दिया हुआ है, मान लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फॉर्मूला लगा दो सीधा, क्या है बताओ क्या होगा। टोटल चार्ज कितना है, 25, और लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2.5 कूलम पर सेंटीमीटर, दैट्स इट, ये ए पार्ट हो गया। सेवन पॉइंट फाइव, 2.5। अच्छा, और पूछा है ऑल्सो फाइंड आउट, अच्छा जब आप 3 सेंटीमीटर की बात कर रहे हो तो फिर कूलम पर सेंटीमीटर नहीं होगा, फिर कूलम ही हो जाएगा क्योंकि आप चार्ज निकाल दिया है, ठीक है ना। तो यूनिट का आपको ध्यान देना है, ठीक है, यूनिट का आपको ध्यान देना है। तो अब बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड आउट द चार्ज ऑन 3 सेंटीमीटर ऑफ द रॉड, तो 3 सेंटीमीटर रॉड पे कितना होगा, 1 सेंटीमीटर पे कितना है, अगर 1 सेंटीमीटर की बात करूं, ये 1 सेंटीमीटर लंबी है, इस पे कितना चार्ज है, 2.5 कूलम, तो 3 सेंटीमीटर में कितना होगा, 2.5 को क्या कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, सीधा कितने, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 7.5 कूलम, दैट्स इट। ठीक है, ओके, जहां तक मेरा ख्याल है आपको क्लियरिटी हो गई है कि जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, और किसी भी रॉड के कितने भी पार्ट पे, कितना भी पार्ट हो उस पे चार्ज कैसे निकालेंगे, तो ये क्लैरिटी हो चुकी है आपको। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूं, अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या होगा। ठीक है, इफ चार्ज इज, इसी में सेकंड पार्ट आ जाएगा, if the charge is non-uniformly distributed, अच्छा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देख लो कैसा होगा। मान लीजिए यही रॉड है और ये रॉड ना, इस पे चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है,
थोड़ा सा देख लेना, समझ पा रहे हो तो यहाँ पे मत बता रहा हूँ, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आपको मिल रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ मिल रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ मिल रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दिख रहा है ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो इस केस में आप लैम्डा नहीं निकाल सकते, ध्यान देना, ये फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, ध्यान देना। जब भी चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो आपको हमेशा लैम्डा दिया जाएगा, ध्यान देना। इफ द चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, देन द लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी गिवन, दिया जाएगा। आप ये फॉर्मूला वी कैन नॉट, यहां पे पॉइंट लिखते जा रहा हूं, ध्यान देना, ये पॉइंट है, वी कैन नॉट यूज लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, ये आप यूज नहीं कर सकते, आपको दिया जाएगा, लैम्डा विल बी गिवन, ठीक है। तो लैम्डा अगर दिया जाए, लैम्डा दिया जाएगा, जैसे मैं इंपॉर्टेंट देखो अभी, जैसे ये प्रॉब्लम करवाने वाला हूं तो उसमें देखो लैम्डा दिया है, लैम्डा रॉड हैविंग कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग डेंसिटी लैम्डा 2x, वो दिया जाता है प्रॉब्लम में, ठीक है ना, हमेशा ये चीज ध्यान देनी है। अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो अगर लैम्डा दिया हुआ है, दिया हुआ है तो समझ जाना कि इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस केस में टोटल चार्ज आप कैसे निकालोगे, टोटल चार्ज ऑफ द रोड, जब लैम्डा दिया जाता है तो टोटल चार्ज पूछा जाता है कि टोटल चार्ज बता दो, तो आपको तरीका क्या होगा, तरीका देखो जरा, तरीका क्या है कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, रॉड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ऐसे ध्यान से समझना, इस तरीके से हर एक रॉड पे चार्ज निकालोगे, मान लीजिए इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इस पे चार्ज Q3 है, और सारे चार्ज को क्या करोगे, ऐड करोगे। निकालने का तरीका कैसे निकालूंगा, X पे जाके, ये तोड़ने का तरीका होता है, पता नहीं आपने किया है कि नहीं, और नहीं किया है तो ध्यान से समझना किस तरीके से तोड़ा जाता है। X पे जाके, ध्यान से समझना, X पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा रॉड का, जिसकी लेंथ कितनी है dx, छोटी सी लेंथ होगी dx, और इस पे चार्ज कितना मानूंगा dq, इस तरीके से माना जाएगा। अब क्योंकि ये रॉड बहुत छोटी है, ध्यान देना, ये वाली रॉड, ये जो लेंथ है ना, इतनी रॉड जो मैंने मानी है छोटी सी, ये वाली इतनी, इतना पार्ट थी, क्योंकि इसकी लेंथ कैसी है, बहुत छोटी है, सिंस लेंथ ऑफ द स्मॉल इंफानाइटेसिमल, इसे इंफानाइटेसिमल बोलते हैं, बहुत छोटी रॉड इज वेरी स्मॉल, कितनी, बहुत स्मॉल है, छोटी, बहुत dx, आप याद होगा आपको dx जो है, dx हम मानते ही हैं कि बहुत छोटा है, ध्यान देना, ठीक है ना। सो इफ द लेंथ ऑफ द रॉड इज वेरी स्मॉल, देन वी कैन एज्यूम, वी कैन एज्यूम द चार्ज dq is uniformly distributed in it. ठीक है, तो इस लेंथ पे ध्यान देना, सिर्फ इतनी लेंथ पे, ये जो लेंथ है, इतनी लेंथ dx, क्योंकि ये बहुत छोटी है,
तो मैं ये मान सकता हूं कि इतनी लेंथ पे सिर्फ dx लेंथ पे ये जो चार्ज है dq ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं इस लेंथ के लिए, छोटी सी लेंथ के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, ये छोटी सी लेंथ के लिए, ध्यान देना, ये बना रहा हूं यहां पे, यहां पे लैम्डा निकाल सकता हूं इस लेंथ के लिए, सिर्फ इतनी लेंथ के लिए लैम्डा निकाल सकता हूं। ध्यान देना, लैम्डा क्या होगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। देखो, फिर से समझने की कोशिश करो। मैंने क्या किया, रॉड को तोड़ा। रॉड को तोड़ने का तरीका क्या है, ध्यान देना, हमेशा जब भी रॉड आएगी मैं तोड़ूंगा ऐसे ही, एक्स पे जाके डी एक्स लेंथ का एक छोटा सा रॉड का पार्ट लूंगा। इस लेंथ ऑफ द रॉड को क्या बोला जाता है? डी एक्स, ठीक है? इतनी लेंथ की रॉड है ये, छोटी सी रॉड, और इसमें चार्ज मान लिया है डी क्यू। क्योंकि ये बहुत छोटी है तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूं, मैं ये मान सकता हूं कि इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, डी डी एक्स लेंथ की जो रॉड होगी उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। पूरी रॉड पे नहीं है, ध्यान देना, पूरी रॉड पे नहीं है। तो क्या मैं छोटी सी रॉड के लिए ये फॉर्मूला लगा सकता हूं? यस, क्योंकि छोटी सी रॉड पे चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब बताओ कि डी क्यू जो छोटा सा चार्ज है उस रॉड पे, वो क्या है? लैम्डा डी एक्स। एंड सिंस लैम्डा इज गिवन, देन वी कैन फाइंड आउट डी क्यू। तो हम डी क्यू निकाल सकते हैं, ठीक है? अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट दी बोथ बोथ द साइड, इंटीग्रेट बोथ द साइड विद प्रॉपर लिमिट। आप क्या कर दोगे, जो डी क्यू है उसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे विद प्रॉपर लिमिट, और लिमिट हम देख लेंगे अभी, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। यही क्या होगा, टोटल चार्ज। अब क्वेश्चन आपको आपको लगेगा कि सर हमने इंटीग्रेट क्यों किया? इंटीग्रेट इसलिए किया क्योंकि मैंने क्या किया होगा, मैंने क्या किया होगा, ध्यान देना, मैंने अभी आपको बताया था कि रॉड को ऐसे तोड़ा होगा, इसका चार्ज निकाला, इसका चार्ज निकाला, इसका चार्ज निकाला, ऐसे ही तोड़ तोड़ के चार्ज निकाला सबका। लेकिन आप खुद सोचो हाँ, आप खुद सोचो ना, आप क्या कर रहे हो, इसका भी चार्ज निकाल रहे हो डी क्यू, इसका भी चार्ज निकाल रहे हो डी क्यू, इसका भी चार्ज निकाल रहे हो, ऐसे ही तो करके निकालोगे। अब ये कितने डी क्यू बन जाएंगे? ये तो इन्फाइनाइट बन जाएंगे क्योंकि डी एक्स तो बहुत छोटा होता है, और फिर आपको ऐड भी करना है डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, ऐसे इन्फाइनाइट चीजें ऐड करनी है आपको। तो मैंने आपको कभी बताया था कि जब आप इन्फाइनाइट चीजों को ऐड करते हो, सिंपल ऐड कर रहे हो, वेक्टोरियली ऐड नहीं कर रहे, ध्यान देना, दिस इज अ सिंपल एडिशन। क्योंकि डी क्यू के जो चार्ज है वो कैसे ऐड होता है, स्केलरली ऐड होता है, तो आप सिंपल ऐड कर रहे हो डी क्यू डी क्यू डी क्यू। तो बहुत सारे इन्फाइनाइट टर्म्स को ऐड करने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेट किया जाता है। तो डी क्यू क्या हो जाएगा, जो टोटल चार्ज होगा वो डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा, लैम्डा डी, दैट्स इट। अब देखो एक एग्जाम्पल से करके दिखाता हूँ, ये एग्जाम्पल मैंने लेके रखा है यहाँ पे ताकि समझ में आए आपको, ठीक है? क्लियरिटी से सोचना, ठीक है, थोड़ा समझ के करना, और इजी है, कुछ नहीं है, समझने की देरी है बस। देखो जरा क्या है, समझो, अ चार्ज रॉड हैविंग कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक चार्ज रॉड है इसमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका लैम्डा दे रखा है कितना, 2x सेंटीमीटर कूलाम पर मीटर। आप ऐसे सोचो कि ये कुछ ऐसा है कि अगर आपने मान लीजिए 10 मीटर की रॉड ली, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ये
चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आप ऐसे सोचो, आपने 10 मीटर लेंथ की रॉड ली, आपने इसे 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, से अब इमेजिन करो कि x इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ये x इक्वल टू 1 मीटर हो गया, यहाँ पे 2, 3, 4 इस तरीके से, यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लैम्डा कितना मिलेगा, x जीरो है यहाँ पे, तो x जीरो डालोगे तो यहाँ पे आपको लैम्डा जीरो मिल गया, मतलब आपको यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं मिल रहा, जीरो कूलाम पर मीटर। यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको x1 है यहाँ पे, तो x1 डालोगे तो 2 कूलाम पर मीटर मिलेगा। इस लेंथ पे कितनी मिलेगा, 3 कूलाम पर मीटर। दिख रहा है लैम्डा चेंज हो रहा होता जा रहा है, हर एक मीटर पे चार्ज जो है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहले में 0, 2 कूलाम, 3 कूलाम, तो इससे पता चलता है कि इट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि रॉड है जिसकी लेंथ है L, ध्यान से समझना इस चीज को, द चार्ज रॉड हैविंग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग लैम्डा, लैम्डा इज 2x कूलाम पर मीटर। So if the rod is of length L, then find out Q1 by Q2, where Q1 is the charge on first half of the rod. तो first half of the rod है ये। अब ये चीज ध्यान देना कि मैं यहां से मेजर करना स्टार्ट कर रहा हूं लेंथ को, यहां से मेजर करना स्टार्ट करूंगा, इस तरफ ध्यान देना, ऐसे मेजर करना स्टार्ट करूंगा। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड पे Q1 चार्ज है, और सेकेंड Q2 इज द चार्ज ऑन सेकेंड हाफ ऑफ द रॉड। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम तोड़ेंगे, पता चल गया ना, क्योंकि चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम क्या करेंगे, अब तोड़ेंगे। तोड़ने का तरीका क्या था बताएगा कोई, dx और dq, x पे जाके, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं, x पे जाके, बहुत आगे यूज होने वाला ये तरीका, बहुत जगह यूज होगा, डेरिवेशंस में भी यूज होता है। आप बोलोगे सर x कहां से मेजर करूं, तो x मैंने यहां से मेजर किया, ध्यान देना x यहां पे 0 है, यहां से मेजर कर रहा हूं। आप ऐसे सोचो कि ये x एक्सिस पे रखी हुई है, आप समझ में आ रहा है, और ये ओरिजिन है। अब x पे जाके आप क्या करोगे, dx लेंथ की रॉड लोगे, और इसमें जो चार्ज होगा नॉन कंटिन्यूस है, वो क्वेश्चन में गलत लिखा होगा, ठीक है ना। कंटिन्यूस का ना, नॉन कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, नॉन कंटिन्यूस तो डिस्क्रीट होता है ना, डिस्क्रीट मतलब एक चार्ज यहां पड़ा है, पॉइंट चार्ज यहां पड़ा है, दूसरा यहां पड़ा है, और आप यहां पे खड़े हो और आपने अगला कदम रखा, यहां पे कोई चार्ज नहीं मिला, तो ये नॉन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी रॉड में, तो इट इज अ कंटिन्यूस। यस, आया समझ में, हर जगह है, पूरी जगह चार्ज रखा हुआ है, ध्यान देना, मैंने दिखा नहीं रहा हूं, एक ही क्वेश्चन में नहीं बता सकता, हर जगह चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज हर जगह पे है यहां पे, ठीक है ना। अब इतनी रॉड है, इसकी लेंथ है dx और इसमें चार्ज है dq, तो आप झट से बता सकते हो कि dq क्या होगा, dq होगा लैम्डा dx, अभी करके बताया मैंने। यहां पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको dx से मल्टीप्लाई कर दो, और क्वेश्चन में लैम्डा दिया हुआ है, किसी भी x लेंथ पे इस x लेंथ पे दिया हुआ है, कितना है 2x है, तो आप क्या कर सकते हो, लैम्डा की वैल्यू डाल सकते हो। dq क्या हो गया, 2x dx, क्वेश्चन में दिया हुआ है लैम्डा ऑलरेडी, हर x पे आप लैम्डा निकाल सकते हो, दिख रहा है। अब आप क्या करोगे, इसे इंटीग्रेट करोगे। अब क्योंकि बोला है फर्स्ट हाफ पे निकालो एंड सेकेंड हाफ पे निकालो, और दोनों का रेशो निकालना है, तो फर्स्ट हाफ है ये, ध्यान देना, फर्स्ट हाफ कहां होगा, फर्स्ट हाफ होगा ये, ध्यान देना, ध्यान से समझना इस चीज, ये है फर्स्ट हाफ,
और ये होगा सेकेंड हाफ। लिमिट्स ध्यान से डालेंगे। फर्स्ट हाफ के लिए कैसे लिमिट डालूंगा, फर्स्ट हाफ के लिए कैसे लिमिट डालूंगा, फर्स्ट हाफ के लिए लिमिट कर... हाँ जीरो से एल बाई टू, क्योंकि यहां से ये फर्स्ट हाफ है ना, तो एक्स की लिमिट डालेगी यहाँ पे, तो एक्स यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, ठीक है, और यहां पहुंचते पहुंचते कितना हो गया एल बाई टू, तो जीरो से लेके एल बाई टू तक इंटीग्रेट करोगे इसे, तो आपको क्या मिलेगा क्यू वन, ध्यान देना। और सेकेंड के लिए क्या करेंगे, सेकेंड के लिए लिमिट कहां से कहां डालेंगे, क्योंकि सेकेंड स्टार्ट यहां से हो रहा है और आप एक्स यहां से मेजर कर रहे हो, ध्यान देना यहां से, हाँ ये चीज आपको ध्यान देनी है, एक्स आप यहां से मेजर कर रहे हो, यहां से मेजर कर रहे हो और स्टार्ट ये यहां से हो रहा है, तो लिमिट जाएगी एल बाई टू से एल, तो क्यू वन भी पता चल जाएगा और क्यू टू भी पता चल जाएगा। अब लिमिट जब आपको, आपको इंटीग्रेशन आता ही है, क्या कॉमन आता है यहां पे, टू कॉमन आ जाता है एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय टू, हाँ एक्स स्क्वायर बाय टू, ये टू टू बाहर आ जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया ओके आएगा आपका एल स्क्वायर बाय फोर, ठीक है, ये एक्स की जगह आप एल बाय टू डाल दोगे इस तरीके से, एल बाय टू का फोर स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, लिमिट लिमिट डाल दोगे आपको क्यू वन पता चल जाएगा एल स्क्वायर बाय फोर, ये क्यू वन आ गया। क्यू टू अब आप कैसे निकालोगे, क्यू टू भी निकल जाएगा, टू कॉमन ले लिया, एक्स का इंटीग्रेशन अगेन क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाय टू, टू टू कट गया, ठीक है, अब एक्स स्क्वायर की जगह, एक्स की जगह एल डालो, पहले एल डालोगे तो ये आएगा एल स्क्वायर और फिर डालोगे एल बाय टू का होल स्क्वायर, तो ये दोनों को, अच्छा इंटीग्रेशन प्लीज मुझे बताओ सबको आता है कि नहीं, यस सर, ओके, तो आंसर आया थ्री एल स्क्वायर बाय फोर। तो रेशो कैसे निकालूंगा, रेशो निकालना है किसका, Q1 by Q2, तो Q1 by Q2 का रेशो क्या आ जाएगा सीधा L square by 4 upon 3 L square by 4, 4 4 cancel out, L square cancel out, 1 by 3 answer। I think आपको समझ में आ गया, एक और दे देता हूं फिर आगे चलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, क्वेश्चन थर्ड है, लिखो If the charge is non-uniformly distributed, on the rod having lambda is equal to फोर एक्स स्क्वायर कूलाम पर मीटर, फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑन द रॉड इफ इट्स लेंथ इज फोर मीटर। पहले तो ये बताओ कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, देख के ही पता चल जाएगा लैम्डा इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और अगर लैम्डा ऐसे दिया होता, ध्यान देना लैम्डा अगर दिया होता फोर कूलाम पर मीटर, तो मेरा काम फिर तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ लैम्डा क्या है, यूनिफॉर्म लैम्डा इज सेम, ध्यान देना हर एक मीटर पे चार्ज चार कूलाम है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जब भी ऐसे दिख जाए ना, ऐसे दिख जाए
या इस तरीके से मैं लिख देता हूं, इफ लैम्डा इज नॉट द फंक्शन ऑफ एक्स, ध्यान से समझना, तो आप क्या मानोगे, चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि एक्स है नहीं तो सेम है हर जगह, तो ये पहला पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट, अगर लैम्डा जो है इज सम फंक्शन ऑफ एक्स, लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, देन चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, आ रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आप यहाँ पे लिखवा दिया है, तो मैं इसे जब मैं नोट्स दे दूंगा ना आपको, नोट्स आज भेजूंगा, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख दूंगा, तो ये आपको ध्यान देना है। तो लैम्डा क्योंकि x का फंक्शन है, यहाँ पे 4x² कूलाम पर मीटर है, तो आप झट से समझ जाओ इट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब कैसे करोगे, तो रॉड ले लो, रॉड ले लिया, इस तरीके से रॉड लिया, ये पूरी रॉड है, x पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लो, ये छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लेंथ है dx, और इस पे चार्ज कितना है dq, झट से dq लिख दो, dq कितना होगा lambda dx, और क्योंकि lambda दिया हुआ है क्वेश्चन में 4x², किसी भी x पे जाके आप छोटी सी लेंथ लेते हो, छोटी सी रॉड लेते हो, तो उसका लैम्डा निकाल सकते हो 4x² कूलाम पर मीटर, तो वो डाल दो यहां पे, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटेड, अब यहां पे x कितना है, यहां पे x 0 है, और यहां पहुंचते पहुंचते कितना है, 4 मीटर है, 4 मीटर की रॉड है, तो यहां पे x जो पहली वाली रॉड होगी, पहली वाली रॉड है ये वाली, जो पहली वाली जो छोटी सी रॉड होगी उस, वो कितनी दूरी पे है, 0 मीटर पे है, और सबसे लास्ट वाली यहां पे जो होगी वो होगी 4 मीटर दूरी पे, इसे इंटीग्रेट करोगे तो टोटल आ जाएगा। फोर कॉमन आ जाता है, इंटीग्रेशन आता है x square का इंटीग्रेशन सबको पता है, x क्या होता है, x³/3, ओके, x2+1/2+1, मैं फिर बता दे रहा हूं, अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता है तो यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। x^n का इंटीग्रेशन करोगे तो फॉर्मूला बनता है xn+1/n+1, बस ये फॉर्मूला एक ही जगह अप्लाई नहीं होता, x शुड बी नॉट इक्वल टू 1, ध्यान देना, अगर -1 होगा तो ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, आपको ये ध्यान देना। तो हो जाएगा 4x³/3, अब x की जगह पहले 4 डाल दो और फिर 0 डाल दो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 4/3 तो बाहर आ गया तो कांस्टेंट है, x की जगह पहले 4 डाला फिर 0 डाल दिया, तो ये लगभग आया 4/3, 4 का क्यूब होता है 64, तो ये आ जाएगा 256/3 कूलाम। This is the answer. सर फिर -1 के लिए कैसे करेंगे? कौन सा -1 के लिए? -1 के लिए अलग फॉर्मूला होता है। -1 के लिए क्या होता है? log x। ओके। अगर -1 डाल दोगे तो दिस इज इक्वलेंट टू 1/x dx, और 1/x का अलग होता है फॉर्मूला log raised to the power ex जो होता है। ठीक है, अब ये मैं खुद बना के दूंगा आपको, आप इंटीग्रेट करते रहना, ऐसे बहुत सारे सम बनाए जा सकते हैं, बहुत सम बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, आज देखता हूं बना के देता हूं, आप जो है खुद सॉल्व करना, इंटीग्रेशन आप सबको आता है, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है, होप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया होगा।
दूसरे तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ दी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी सरफेस और यहां पे फिजिक्स में जनरली हम क्या मानते हैं शीट, ध्यान देना, जैसे एल्यूमिनियम की शीट हो गई, गोल्ड की शीट हो गई, देखा होगा आपने, शीट देखी होगी ना एल्यूमिनियम की शीट, तो वो एक ऐसे सोचो कि एक सरफेस है और आपने कुछ चार्ज दे दिया तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसमें, ठीक है ना। तो इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस और शीट देन इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा ही सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ध्यान देना, बिल्कुल वैसा ही है, समझने की देरी है बस, ठीक है ना। अब सोचो कि यहां पे कौन सी क्वांटिटी निकालूंगा, ऐसी कोई क्वांटिटी तो होगी जिससे पता चले कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पे जो डेंसिटी होती है उसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां पे जो डेंसिटी बताई जाती है वो बताई जाती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली। यहां पे भी दो ही केस है, यहां पे दो केस हो गए, कौन से दो केस है, सबसे पहला If charge is distributed uniformly on the surface, इसे कई बार एरियल भी बोल देते हैं, एरियल मतलब एरिया, अगर चार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। तो अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इमेजिन करो ये एक शीट है, ठीक है, तो ये बना के रखी है मैंने इस तरीके से, ये एक शीट है, एक स्क्वायर शीट मान लो, ऐसे सोच लो, ठीक है। इस पे कुछ चार्ज दे दिया, इस तरीके से चार्ज दे दिया मैंने, पूरी शीट पे जो चार्ज है वो है Q, दिस इज द टोटल चार्ज एंड A इज द एरिया, A इज कॉल्ड द एरिया। एरिया ऑफ शीट, तो अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है शीट पे और मैं आपसे बोलूं सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालो, तो फिर आप कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, क्या बनेगा सोचो, आप क्या करोगे, टोटल चार्ज को ध्यान से समझना, इफ चार्जेस, हाँ चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो टोटल चार्ज को आप किससे डिवाइड करोगे, टोटल एरिया ऑफ द शीट से। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा क्यू बाय, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा, मैं फिर सीधा ही चलता हूं आगे, सीधा आगे चलूंगा। सेकेंड, इफ द चार्ज, इफ चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर कैसे निकालोगे, तो फिर लैम्डा, फिर सिग्मा जो है दिया जाएगा, ये जो सिग्मा है ना ये सम फंक्शन ऑफ दिया जाएगा, किसी तरीके से दिया जाएगा, देन फिर वही चीज है, देन सिग्मा विल बी सम फंक्शन ऑफ एक्स
और वाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, और वाई मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक्स एंड और वाई कुछ भी हो सकता है, और कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन हो सकता है, तो उतना तो आएगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, कुछ ऐसे दे दिया जाएगा, सिग्मा इज एग्जांपल के तौर पे इस तरीके से दे दिया जाएगा, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ऐसे बोलूं सिग्मा इज 4x2 ऐसे दे दिया जाए, और एक्स यहां से आप मेजर कर रहे हो, ऐसे एक्स आप यहां से मेजर कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आप मेजर कर रहे हो, यहां से ऐसे एक्स मेजर कर रहे हो इस तरह, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। तो फिर आप कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे, आप इस पूरी शीट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ऐसे डिवाइड करोगे, इमेजिन करो ये एक छोटा सा एरिया लिया डीए और इस पे चार्ज निकाला डीक्यू। अब फिर वही चीज है कि क्योंकि ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है तो इसमें चार्ज आप कैसे मानोगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे वहां पे माना था, तो सिग्मा आप यहां से निकाल सकते हो, सिग्मा इस छोटे से पार्ट के लिए निकाल सकते हो, क्या होगा dq by dA, dq is distributed uniformly on dA, ये मान के चलोगे आप, क्योंकि जो डीए है ये बहुत छोटा सा एरिया है, बहुत छोटा एरिया है, ठीक है ना, तो ये मान के चलोगे आप कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा हो जाएगा डीक्यू बाय डीए, तो डीक्यू छोटा सा जो चार्ज होगा इस छोटे से एरिया पे वो होगा सिग्मा डीए, जैसे वहां पे था, वहां पे लैम्डा डीएल था, यहां पे सिग्मा दिया जाएगा, तो सिग्मा को आपको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आप अगर आप इंटीग्रेट करोगे विद प्रॉपर लिमिट तो आपको टोटल चार्ज पता चल जाएगा, तो ये है, क्लियरिटी हुई यहां तक, यस ओके, तो मैं क्वेश्चन करवाता हूं, हाँ बैटरी, हाँ बताओ सर, इसमें मतलब कहां से कहां तक लेंगे हम? हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, ऐसे ऐसे अगर बता दूंगा तो कुछ नहीं होगा, बुक में क्या होता है इतना ही लिखा रहता है, बुक में सिर्फ इतना लिखा रहता है, अप्लाई करना सिखाना पड़ेगा आपको, अप्लाई की कैसे करोगे, ठीक है, तो सबसे पहला जो होगा क्वेश्चन वो नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहला पहला सबसे पहला क्वेश्चन समझने की कोशिश करना और अकॉर्डिंगली आपको आंसर निकालना है, ठीक है, देखो जरा, इफ द चार्ज इज द चार्ज ऑफ 50 कूलम प्लस 50 कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड uniformly on इसमें भी दो पार्ट ले रहा हूं, ध्यान देना, दो पार्ट ले रहा हूं, पहला on the sheet on square sheet of side 2 meter, मतलब जो 50 कूलाम है जो चार्ज है वो मैंने एक स्क्वायर शीट ली है और मेड अप फ्रॉम एल्यूमिनियम, ऐसा सोच लेना एल्यूमिनियम की बनी है और जिसकी साइड है 2 meter, ठीक है, और दूसरा ऑन दी स्फेयर ऑफ, स्फेयर भी कैसा है, कंडक्टिंग स्फेयर, ऑफ रेडियस 10 meter,
देन आपको क्या निकालना है? फाइंड आउट दी सरफेस चार्ज डेंसिटी। इन बोथ दी केसेस अच्छा मान के क्या चलना है? ऑब्वियस सी बात है, जब कुछ नहीं दिया हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कैसे मान के चलना है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्जेस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दोनों केस में ठीक है ना, इन बोथ दी केसेस। तो पहला केस क्या है? पहला केस है कि एक स्क्वायर शीट है, एक स्क्वायर शीट ले लो, ऐसे एक स्क्वायर शीट ले ली। इसमें जो चार्ज दे रखा है वो डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से किया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? दिया हुआ है फर्स्ट केस में कितना है, 50 कूलम। और इसका एरिया कितना होगा? टोटल एरिया, टोटल एरिया क्या होगा? स्क्वायर शीट है तो एरिया क्या होगा? फोर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में 50 कूलम चार्ज दिया किसे? 4 मीटर स्क्वायर एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? सिग्मा क्या हो जाएगा फर्स्ट केस में? 50 बाय 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये कितना आया? आई थिंक 12.5 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। क्लियर हुआ? यस सर। और दूसरा केस है कि आपने एक स्फेयर लिया, एक स्फेयर है। अब मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, ध्यान देना, बहुत पहले बता चुका हूं कि जब भी आप किसी कंडक्टिंग स्फेयर को चार्ज देते हो तो वो कहाँ आ जाता है? सरफेस पे पूरा को पूरा सरफेस पे आ जाता है। तो पूरा को पूरा सरफेस पे आ जाता है। तो क्योंकि पूरा चार्ज सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड, सिंस ऑल द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, तो मुझे कौन सी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी? वी हैव टू फाइंड आउट, सरफेस डेंसिटी हाँ, वी हैव टू फाइंड आउट सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी चलेगी, बाकी दो चार्ज डेंसिटी नहीं चलेंगी। जो मैं एक तो मैंने पहली करवा दी लीनियर चार्ज डेंसिटी, अभी एक और करवाऊंगा ठीक है ना, वो भी नहीं चलेगी ठीक है ना। तो वी हैव टू फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये चीज आपको ध्यान देनी है। जितने भी डेरिवेशन होंगे उसमें ये सारी चीजें यूज की जाएंगी। अच्छा तो अब मुझे बताओ कि टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? 50 कूलाम ही है, और कितने एरिया पे? अब कौन सा सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया, स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर का पढ़ा होगा ठीक फोर है, ये 10th में पढ़ा होगा। तो 4 पाई आर, आर कितना है? 10 है। अगर आप देखोगे तो आर 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, आर इज गिवन 10। ये देखो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, 10 मीटर दिया हुआ है। यूनिट का ख्याल रखना है ठीक है ना, अकॉर्डिंगली यूनिट देखनी है आपको, 10 मीटर है। तो ये आ जाएगा 400 पाई मीटर स्क्वायर एरिया है। अब बताओ सिग्मा क्या होगा? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है ना, तो फिफ्टी ये बाई होगा फोर 50 बाय 400 पाई कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इतना भी लिख दोगे मोर देन इनफ है, 5 बाय 400 पाई कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसका स्पेसिफिकली मतलब समझो कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिकली मतलब क्या है कि इसका तो मैं बता देता हूं, इसे थोड़ा सा बताना थोड़ा सा मुश्किल है।
इसका स्पेसिफिकली मतलब क्या है? इसका इसका स्पेसिफिकली मतलब है कि अगर आपने पूरी शीट को, पूरी शीट का एरिया कितना है? 4 मीटर स्क्वायर। आपने पूरी शीट को 4 भागों में डिवाइड किया है, इक्वल भागों में, तो इसका कितना एरिया हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर। इसका कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर। इसका भी 1 मीटर स्क्वायर और इसका भी 1 मीटर स्क्वायर। हर एक शीट पे कितना चार्ज मिलेगा आपको? हर एक शीट पे कितना चार्ज है? 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? 12.5 कूलाम। तो इसमें भी आपको 12.5 कूलाम मिलेगा, इसमें भी आपको 12.5 कूलाम मिलेगा, इसमें भी 12.5 कूलाम मिलेगा और इसमें भी 12.5 कूलाम मिलेगा। इसका मतलब ये होता है अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो। आया समझ में? यस सर। वैसे ही इसका मतलब, वैसे ही इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप सोचो, आप ऐसे सोचो कि आपने क्या किया, ये जो पूरा स्फेयर है ना, इसका जो सरफेस है उसको फाड़ के, उसको बाहर निकाला, फाड़ के सीधा कर दिया। मान लीजिए ऐसा सरफेस आया, ऐसा सरफेस बना, जैसे आपने देखा ना कॉस्को की बॉल है, और कॉस्को की बॉल कुछ ऐसी होती है, तो कॉस्को की बॉल आप क्या करो, फाड़ दो बीच में से, ऐसे फाड़ दो बीच में से, और उसे फ्लैट बना देना, एकदम बिल्कुल फ्लैट बना देना। तो फ्लैट बनाओगे तो ये जो एरिया है ये क्या है एक्चुअल में, कौन सा एरिया है ये? यस, सरफेस एरिया इट इज अ सरफेस एरिया। तो ये एरिया कितना है? ये एरिया आपने निकाला 400 पाई मीटर स्क्वायर। इसमें चार्ज कितना दिखा आपको? आपको चार्ज दिखा 50 कूलम। तो अगर आप इस पूरे एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ऐसे कितने एरिया के? 1 मीटर स्क्वायर। ऐसे ऐसे बहुत सारे एरिया मिलेंगे आपको 1 मीटर स्क्वायर। सब में आपको कितना चार्ज दिखाई देगा? सब में कितना चार्ज दिखाई देगा? इसमें कितना चार्ज दिखेगा आपको? 5 बाय 40 कूलाम, 40 पाई कूलाम, इतना चार्ज दिखेगा हर एक में। इसका मतलब ये है। आया समझ में? होप समझ में आ गया होगा। यस सर। ओके, अब बी पार्ट, दूसरा क्वेश्चन देखो। अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर कैसे दिखेगा? तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ध्यान से समझना इस चीज को। अब क्वेश्चन देखो कैसे बना रहा हूं। इफ दी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ध्यान से समझना इस चीज को जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि तो क्या है ना, ये बुक में जनरली क्या होता है, बुक में तो क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट जो है वो जिसको पता होते हैं वही बता सकता है ढंग से। इफ दी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट इज सिग्मा, दिया हुआ इस तरीके से, 2x कूलाम पर मीटर स्क्वायर, फाइंड आउट दी टोटल चार्ज ऑन दी शीट। शीट बना के दिखा रहा हूं, शीट क्या है ध्यान देना, ये है शीट। ये ओरिजिन मान लो, ऐसी शीट है। अब पूछा है कि बताओ टोटल चार्ज ऑन दी शीट क्या है। अब थोड़ा मुझे बताओ कि जब आप इस सिग्मा को देख रहे हो, ध्यान देना, सिग्मा है 2x कूलाम पर मीटर, ध्यान देना, तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि इसमें जो सिग्मा है वो किसका फंक्शन है, सिग्मा कैसे वेरी कर रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है। इज वेरिंग अलोंग एक्स,
एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में अगर आप चलना स्टार्ट कर दो, जैसे कहने का मतलब यह है कि जब आप एक्स डायरेक्शन में मूव करोगे तो हर बार आपको चार्ज क्या दिखेगा, डिफरेंट दिखेगा। ऐसा हो सकता है कि एक्स डायरेक्शन में जब आप ट्रेवल करोगे तो यहाँ मिले एक्स पॉजिटिव, मिले यहाँ मिले थोड़ा ज्यादा, मिले यहाँ और ज्यादा, मिले यहाँ और ज्यादा मिले, इसका मतलब ये है। लेकिन अगर वाई डायरेक्शन में मूव करोगे तो हर जगह पे आपको क्या दिखेगा, एक्स। यहाँ एक, यहाँ पे जो पॉजिटिव है उतना ही पॉजिटिव यहाँ दिखेगा, उतना ही पॉजिटिव यहाँ दिखेगा, उतना ही पॉजिटिव यहाँ दिखेगा। मतलब समझ में आया इसका क्या बोल रहा हूँ मैं? यस ठीक है ना? तो अब आपको अगर टोटल चार्ज निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ोगे। अब मैं आपको ना दो ऑप्शन दे रहा हूँ, ध्यान देना, दो ऑप्शन दे रहा हूँ। कि आप बोलोगे कि सर तोड़ तो आप ऐसे भी सकते हो, ध्यान देना। एक्स पे जाके, ध्यान देना, यहाँ पे एक्स पे जाके डीएक्स लेंथ की एक छोटी सी शीट होगी, ध्यान देना, ऐसे। और इसकी डायमेंशन भी दे देता हूँ, ये है 5 मीटर इसका विड्थ है, ये दिया होगा, ठीक है ना, सब क्वेश्चन में दिया होगा। देखो आप समझो कि एक तो तरीका ये है तोड़ने का, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का, कि एक्स डायरेक्शन में चलो, एक्स पे जाके डीएक्स लेंथ की एक छोटी सी शीट ले लो। एक तो ये तरीका है तोड़ने का। दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है? आपने बोला कि सर मैं ऐसे भी तो तोड़ सकता था, आपने जैसे तोड़ा है वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन तोड़ तो आप ऐसे भी सकते हो कि आप वाई डायरेक्शन में जाके डीएक्स लेंथ की एक छोटी सी शीट लो। अच्छा ऐसा क्यों कर रहा हूं ये भी समझो, ऐसा क्यों कर रहा हूं? तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं क्या करूंगा, मेरा काम वही है, मैं ध्यान देना, मैं क्या करूंगा, इस पे छोटा सा चार्ज निकालूंगा डी क्यू, और फिर इसे इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, हर एक छोटी छोटी रॉड ऐसे तोड़ा है ना आपने, छोटी छोटी रॉड्स में तोड़ दिया है, उस चार्ज को निकाल रहे हो और ऐड कर रहे हो। इसमें चार्ज निकाला, इसमें चार्ज निकाला, इसमें चार्ज निकाला, सबको ऐड कर रहे हो। मेरे करने का पर्पस ये है, ध्यान देना। जैसे मैंने रॉड को तोड़ा था वैसे मैं यहाँ पे शीट को तोड़ रहा हूँ, पर शीट को तोड़ने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। रॉड का एक्स पे जाके डीएक्स की एक छोटी सी रॉड बनती है, और शीट में एक्स पे जाके डीएक्स लेंथ की एक छोटी सी शीट मिलती है। तो अब जरा मुझे बताओ कि मुझे कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, ये तरीका सही है तोड़ने का कि ये तरीका सही है तोड़ने का? किसी को पता है, कौन बताएगा मुझे? यस अरे आवाज भी आ रही है मेरी? यस सर आ रही। हाँ तो मैं यही पूछ रहा हूं कि बताओ कौन सा तरीका सही है, ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है? सेकेंड वाला, किसने बोला सेकेंड वाला? ठीक है, तो सेकेंड नीचे नीचे वाला। देखो अब देखो ध्यान से समझना, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मान लीजिए सेकेंड वाला लिया मैंने, और सेकेंड वाले में ये है ना रॉड, ये जो है ये छोटी सी रॉड है, जो रॉड नहीं सॉरी ये क्या बोलते हैं शीट है, तो ये छोटी सी शीट ली मैंने। अब जरा मुझे बताओ कि अगर मैं शीट पे चलना स्टार्ट करूं तो मुझे सिग्मा सेम दिखेगा और सिग्मा डिफरेंट दिखेगा, बताओ जरा, बताओ। एक बार रिपीट मैं करना। ये बोल रहा हूं कि अगर आप इस शीट पे चलना स्टार्ट करोगे, क्योंकि ये शीट बहुत छोटी है डी वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में बहुत छोटी है, तो ऑब्वियसली बात है एक्स डायरेक्शन में आप चल सकते हो। तो मैं एक्स डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रहा हूं, और मैं ये हर बार मेजर कर रहा हूं कि इसका सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी मेजर कर रहा हूं। यहां पे मेजर करी, यहां 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 मेजर करी,
बताओ सेम सिग्मा मिलेगा कि डिफरेंट मिलेगा? तो डिफरेंट रहेगा, डेफिनेटली डिफरेंट रहेगा, क्योंकि मुझे पता है सिग्मा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स नॉट अ फंक्शन ऑफ वाई। तो ये गलत है फिर, दिस इज रॉन्ग, ये तरीका गलत है, ये ऐसे आप तोड़ नहीं सकते। आया समझ में? हमेशा याद रखना आपको शीट इस तरीके से तोड़नी है कि आप शीट पे मूव करो ना, शीट पे जब आप मूव करोगे ऐसे, शीट पे मूव कर रहे हो हर जगह पे ऐसे मूव कर रहे हो, आपको सिग्मा कैसा दिखना चाहिए? सेम। आया समझ में? यस सर। यस सर। ओके, तो मैं यहां पॉइंट लिख देता हूं, ध्यान देना, यहां पे नोट पे लिख देता हूं, ये क्या है बताने वाली बात है, अगर एक बार समझ में आ जाए तो फिर क्या है मैं हर बार नहीं बताऊंगा, ये आप खुद समझ जाओगे। नोट क्या है? द शीट इज ऑलवेज टेकन, कौन सी शीट? स्मॉल शीट, ध्यान देना, स्मॉल शीट इज ऑलवेज टेकन इन सच अ वे such that if we move on the surface, if we move on the surface of this sheet, the surface charge density must remains same। ये समझने वाली बात है। आया समझ में? यस सर। तो जरा आप मुझे झट से बता दो कि इस पे चार्ज कितना होगा, बताओ, क्योंकि सिग्मा सेम है, ध्यान देना, सिग्मा सेम है, और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ, डी क्यू बाय इस पे जो चार्ज है वो कितना है, डी क्यू। अच्छा इसका एरिया बता देगा कोई, जरा जल्दी बताएगा एरिया, डी ए कितना होगा इस शीट का एरिया? 5 dx है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, 5 dx, ध्यान देना। तो डी क्यू होगा, सिग्मा होगा डी क्यू बाय डी ए, डी क्यू बाय डी ए, व्हाट इज डी ए, 5 dx। तो डी क्यू कितना आ गया, डी क्यू आया सर 5, हाँ ठीक है समझ, 5 dx इंटू सिग्मा, ध्यान से समझना, या इसको ऐसे समझ लो, बेटर ये है कि मैं इस तरीके से समझाऊं, कंफ्यूजन ना हो, ध्यान से समझना इस चीज को, इसको ऐसे समझो, जो छोटा सा चार्ज होगा शीट पे, कौन सी शीट पे, छोटी शीट पे, वो होगा सिग्मा इंटू डी ए, बट सिग्मा, सिग्मा हमें पता है सिग्मा कितना है बताओ, हर जगह पे, इस एक्स पे, इस एक्स पे, यहां पे, क्योंकि ये जो हर जगह पे एक्स के सेम है ना, देखो हर जगह पे एक्स सेम है यहां पे, तो यहां पे हर जगह पे सिग्मा कितना है बताओ, सेम है, और कितना है 2x, तो आप डाल सकते हो 2x dA 5 dx। क्या ये चीज समझ में आ गई? यस सर। मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से समझ, yes, sir. मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सिग्मा हर जगह पे, यहां पे हर जगह पे सेम है, ध्यान देना, यही पॉइंट में लिखवाया था, इस तरीके से लिखवाया था मैंने, ये आपको शीट की, ये जो छोटी सी शीट है लेनी ही इस तरीके से है कि इस पूरी शीट पे सिग्मा सेम रहे। अब एक्स दूरी पे, क्योंकि सिग्मा एक्स का ही फंक्शन है, तो हर जगह पे यहाँ पे इस शीट पे हर जगह पे एक्स के सेम है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा 2x, और एरिया क्या हो गया इसका 5 dx। अब आप क्या करोगे, इसे इंटीग्रेट करोगे, बट लिमिट ध्यान देना, यहाँ पे लिमिट एरिया की नहीं आएगी, लिमिट किसकी आएगी, एक्स की लिमिट आएगी। बताओ एक्स कहां से कहां वेरी करेगा, सबसे पहली जो शीट बनेगी, छोटी वाली शीट बनेगी, वो बनेगी यहां पे, बहुत छोटी सी शीट है ये, बताओ इसका एक्स कितना है,
कितना है एक्स? थोड़ा जल्दी बताओ यार, कितना है यहाँ पे एक्स? जीरो। ये जो छोटी वाली शीट है, ये जो पहली छोटी वाली शीट होगी उसके लिए एक्स कितना होगा? जीरो। और सबसे जो लास्ट वाली शीट होगी उसके लिए एक्स कितना होगा? एक्स होगा 10 मीटर। 10। 10 मीटर है। तो आप टेन लिमिट, एक्स की लिमिट कहां से कहां जाएगी? जीरो से लेके 10 मीटर तक। बस अब आप इंटीग्रेशन तो करना जानते हो, 10 तो बाहर आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2। पहले अपर लिमिट डाल दो, ये 5 हो गया, 10/2 5 हो गया। एक्स की जगह पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो आंसर कितना आ गया? 500 कूलम चार्ज है इस पे। क्लियर हुआ? हाँ सर। यस तो यही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई है। तोड़ने का तरीका हमेशा याद रखना, शीट हो गया, शीट को कैसे तोड़ा जाएगा? एक्स पे जाके डीएक्स लेंथ की एक छोटी सी शीट मिलेगी आपको, शीट लेनी पड़ेगी। और शीट हमेशा इस तरीके से लेनी है क्योंकि तोड़ने के, ना शीट को तोड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो हमेशा इस तरीके से शीट आपको लेनी है, स्मॉल शीट, या ऐसे इससे इस तरीके से तोड़ना है पूरी बड़ी शीट को कि जो छोटी शीट मिलेगी उस पे अगर आप मूव कर रहे हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी तो आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे, ये वाला जो फॉर्मूला है तभी तो लग पाएगा। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? ओके, ये दूसरा हो गया। और सबसे लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कौन सा है? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो दो मैंने करवाए हैं ये रियल लाइफ में बहुत कम देखे जाते हैं, ठीक है ना। रियल लाइफ में कैसा देखा जाता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि रियल लाइफ में हर चीज 3D है। सो थोड़ा जल्दी करेंगे। इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सॉलिड बॉडी, जैसे बोलूंगा 3D बॉडी, देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब फिर से सोचो, वही चीज सोचो कि चार्ज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। यस, यूनिफॉर्मली भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है सर। तो अगर मैं आपसे बोलूं सबसे पहला केस, द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, से पहला ही केस है, तो आप यहां पे क्या निकालते हो? ध्यान देना, आप यहां पे निकालते हो रो, भाई पढ़ा होगा, मास डेंसिटी पढ़ा था ना। मास डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वैसे ही यहां पे भी रो चलता है, बस इसे ध्यान देना, इसे क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अच्छा, रो क्या होगी बताओ, कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, देखो फिर से वही चीज। चार्ज अपॉन वॉल। हाँ, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये टोटल चार्ज मान लिया, और इसका जो वॉल्यूम होगा वी, ये हो गया टोटल वॉल्यूम, और क्यू है टोटल चार्ज। तो क्या फॉर्मूला बना? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, दैट्स इट, क्यू बाय वी।
बट ये तभी लगा सकते हो जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। बी, अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है द चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब क्या करूं? तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, ध्यान से समझना, पूरे पूरे जो सॉलिड बॉडी है उसका एक छोटा सा वॉल्यूम लेना पड़ेगा, बहुत छोटा सा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा बी वी, और इसमें चार्ज कितना होगा बी क्यू। तो आप बताओ क्या होगा इसका रो, बताएगा कोई रो? डी क्यू बाय डी वी, हाँ डी क्यू बाय डी वी, और ये मान के चलना है दिस चार्ज डी क्यू, डी क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, तभी तो ये फॉर्मूला लगा पा रहा हूँ सीधा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तभी लगा पा रहा हूँ कि डी क्यू, मैं मान ये मान के चल रहा हूँ कि डी क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन डी वी वॉल्यूम। तो छोटा सा जो चार्ज होगा इस छोटे से वॉल्यूम में वो होगा रो डी वी, एंड रो क्या है, रो विल बी गिवन, रो विल बी गिवन, ये दिया जाएगा। और अगर आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे विथ प्रॉपर लिमिट तो आपको टोटल चार्ज भी पता चल जाएगा। आया समझ में? यस सर। ओके, तो अब फिर वही है, एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल देख लेता हूं और आज के लिए खत्म करते हैं, ढंग से देखना। लिखना, हाँ लिख लो। क्वेश्चन देखो अब क्या है, इफ द 50 कूलम प्लस 50 कूलम इज चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ऑफ रेडियस 2 meter, find out the volumetric charge density. पहला ये, at least ये निकालो। अच्छा, मैंने नॉन कंडक्टिंग क्यों लिया, समझ में आया? ये नॉन कंडक्टिंग की खास बात क्या होती है सर? उसके चार्ज एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं। हाँ, फिक्स होते हैं। तो अगर आपने 50 कूलम चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनसाइड इट्स वॉल्यूम, सरफेस पे नहीं पूरे वॉल्यूम पे, ध्यान देना, तो पूरे वॉल्यूम पे ऐसे दिखा रहा हूं, तो अब ये मूव नहीं कर सकते, सरफेस पे नहीं आएंगे। अगर ये कंडक्टर होता तो सारे सरफेस पे आ जाते, तो वहां पे फिर मैं क्या निकालता, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालता, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का कोई मतलब नहीं रहता। आया समझ में? नॉन कंडक्टिंग है तो नॉन कंडक्टिंग में चार्ज अगर आपने अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अब वो अंदर ही पड़ा रहेगा वैसे ही, ठीक है।
तो इस पे जो चार्ज है वो है 50 कूलाम, और कितना वॉल्यूम है इसका, कितना होता है स्फेयर का? 4/3 πr³। बहुत बढ़िया, 4/3 πr³। तो 4/3 πr² कितना है? 2। तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 32 π/3 m³ हो जाएगा, है ना? आया समझ में? यस सर। ओके, तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, रो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सीधा 50 by 32 π/3 टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट्स इट। तो कितना आ रहा है, आई थिंक 150 by 32 π आ रहा है। हाँ, 150 by 32 π/m³। ये चीज आपको ध्यान देनी है। अच्छा, अब एक और पार्ट है इसमें, बी पार्ट, फिर मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है? ध्यान से समझना, आप मुझे बस इतने पार्ट में चार्ज निकाल के दिखा दो, अगर समझ में आया इस चीज को तो कर पाओगे आप। इस पूरे वॉल्यूम में कितना था? 50 कूलम। हाँ, 50 कूलाम है चार्ज। मुझे बताओ, अगर मैंने यहां पे एक और स्फेयर लिया अंदर, इतना बड़ा स्फेयर है, ध्यान से समझना, इतने पार्ट पे चार्ज कितना होगा? ये जो छोटा सा जो वॉल्यूम है ना, इसी के अंदर लिया है, जो बड़े वाला है इसके अंदर तो टोटल जो पूरा पूरा जो वॉल्यूम था उसमें चार्ज कितना है, 50 कूलाम है, लेकिन इसमें तो 50 कूलाम नहीं होगा ना, ये चीज समझ में आ रही है? यस सर, इसमें तो यस फिफ्टी सर, गुलाम से कम होगा जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि 50 गुलाम तो पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ था, तो इसका तो वॉल्यूम तो कम है। तो जरा मुझे बताओ इसका रेडियस कितना है, जरा बताएगा कोई? इसका वन वन इसका रेडियस 1 हो गया, है ना, क्योंकि ये 1 हो गया। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 π πr³, r 1 ले लेना, तो 4/3 π³ हो गया इसका वॉल्यूम। तो इसमें चार्ज कितना होगा, तो सीधी सी बात है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको पता है 1 m³ में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, 150 by 32 π। तो इसको क्या करना, v1 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा आपका 150/32 π कूलाम डिस्ट्रीब्यूटेड है 1 m³ में, और इसका वॉल्यूम है 4/3 π³। क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं ये कर सकता हूं, तो आंसर कितना आया, 50/8। 50/8, बहुत बढ़िया, कूलाम। तो जहां तक मेरा ख्याल है आपको ये चीज समझ में आई होगी, क्लियरिटी है सब? यस सर। हाँ, तो अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है, अब जब अगली क्लास होगी तो मैं इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाऊंगा आपको, कि अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रॉड पे तो वो आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, अगर शीट पे है तो कितनी क्रिएट करेगा, और अगर वॉल्यूमेट्रिक है मतलब स्फेयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो आसपास कितनी क्रिएट करेगा। अब ये जो चीज मैं बताई है ये मैं अब इसके बाद नहीं बताऊंगा, ध्यान देना, समझ में आया कि नहीं? ये मैग्नेटिज्म में अगर आती है तो मैं ये अलग से नहीं बताऊंगा, ठीक है? कहीं पे भी आती है तो मैं अलग से नहीं बताऊंगा, मैं यूज करूंगा इसे। अच्छा, अब डिस्कशन हो नहीं पाया क्योंकि ये चीज कर रहा हूं, तो डिस्कशन के लिए ना यार मुझे थोड़ा सा टाइम अलग से चाहिए होगा, देखूंगा मैं सर से बात करता हूँ डिस्कशन के लिए, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास ही वैसे कम रहती है, ऊपर से बच्चे भी भाग लेते हैं, ठीक है? कोशिश करो भागो ना, क्योंकि यार ऑनलाइन है तो मैं पकड़ तो सकता नहीं हूँ आप लोगों को, ठीक है? लेकिन जो चीजें बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, आगे चल के अगर कुछ करोगे, इंजीनियरिंग करोगे या BSc करोगे, कुछ तो करोगे, ये सब चीजें फिर से पढ़नी पड़ेंगी,
तो अभी से समझ लो, अभी से समझ लोगे तो बाद में जो है ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन पढ़ना तो बाद में भी पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, डिस्कशन के लिए मैं देखता हूँ, सर से बात करता हूँ, आज भी मैं क्वेश्चन भेजूंगा, करो आप जो है मुझे डाउट भेज सकते हो, मैं फिर बता रहा हूँ, आप मुझे डाउट भेज सकते हो, एक दो स्टूडेंट भेज भी रहे हैं, आप को कोई भी डाउट आता है कि क्वेश्चन नहीं है समझ में आ रहा है, आप मुझे भेज दो, मैं सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, और मैं देखता हूँ अगले हफ्ते या इसी हफ्ते एक डिस्कशन क्लास रखूंगा, ठीक है, आधे घंटे की, 1 घंटे की डिस्कशन क्लास हो जाएगी, ठीक है, लेकिन सॉल्व करते रहो, आज भी मैं क्वेश्चन भेजूंगा, वो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।